जीवन की यात्रा में और भी एक संधि मिल करके प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए पूरे में अवसर दिया और सब एक इतना श्रेष्ठ बात है। ये दिन वाटिका में रोज प्रभु आदम मामा को मिलने के लिए आता तो प्रभु आदम मामा के साथ चला। क्या था? प्रभु आदम मामा के साथ चला, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि आनोक प्रभु के साथ चला। प्रभु हमारे साथ चलने में और हमें प्रभु के साथ चलने में बहुत अंदर है। अभी आप देखो आदम मतलब हव्वा प्रभु के साथ चलने के टाइम पर बहुत बड़ा आनंद था है, और वही आनंद मतलब आनोक ने प्रभु के साथ चलते हुए लिया। बहुत बड़ी बात है। अभी आप सोचो आलोक कितना दिन प्रभु के साथ चला है? हाँ 300 साल है, 300 साल। तो अभी आप देखो आलोक प्रभु के साथ 300 साल चला, हम लोग प्रभु के साथ कितना साल चलता, कितना दिन चलता है? अभी आलोक प्रभु के साथ 300 साल चला और हमको पूछेगा तो अपन एक दिन भी चला गया है? तो सोचो ना है, हम तो ये पढ़ता है आलोक 300 साल प्रभु के साथ चला, इतना ही नहीं प्रभु को प्रसन्न भी किया और प्रभु की इच्छा था कि मनुष्य नहीं मरना चाहिए, तो इसलिए प्रभु को प्रसन्न किया हुआ आलोक को प्रभु ने मृत्यु नहीं दिया, मृत्यु देखने को मौका नहीं दिया है ना। अभी हम प्रभु में है फिर भी हम प्रभु के साथ नहीं चलते, चलते हैं क्या? अपनी इधर मीटिंग आने के टाइम पर तक लोग प्रभु के साथ नहीं उस टाइम में तक प्रभु का भय मान करके प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए ऐसा इच्छा में नहीं है ना। कितना लापरवाही का जीवन प्रभु के लोग जीता है, हमें परखना चाहिए अपने जीवन में मतलब आज मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है क्या। प्रभु ने मुझे ये दुनिया से अपने लिए अलग किया है तो मेरे जीवन आज कैसा है करके देखना चाहिए। हम लोग बाइबल में एक एक बात पढ़ने के समय में अपना भी जीवन वो उस जीवन के साथ कैसा है ये बात को परखकर जानना कितना अच्छी बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है, पिछले दिनों में हम लोग आत्मिक लड़ाई की बात पर हम लोग प्रभु के वचन से बात को सीख रहा था, आज भी हम वही सीखनाई में आगे बढ़ने वाला है। अभी हमने अभी तक 4 बातों के बारे में देखा, आपको ये 4 बात जब सिखाया इतने लोग उस पर गौर दिया मालूम नहीं, अपने जीवन को परखता है ये मालूम नहीं, लेकिन भैया हमको हर प्रकार एक विजयी जीवन बिताना हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है। जब हम प्रभु के द्वारा चलाया जाएगा तो निश्चय हमको विजय प्रभु देगा, हमारा विजय करेगा से हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब आज एक विजयी जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात हमें अपने आप को पूछना है, अपने आप से हमें उसका उत्तर पाना है। हमने पहले देखा था कि जीवन की मार्ग में चलने के लिए हमें एक लड़ाई है, बिना लड़ाई का जीवन के मार्ग में चल ही नहीं सकता। इसका मतलब उस लड़ाई में मैं घातक, क्योंकि जीवन का मार्ग में चलने का बहुत विशाल अर्थ भी है। अभी पिछले दिन में भी हमने देखा क्योंकि जीवन का मार्ग यीशु मसीह है। इसके मतलब जीवन का मार्ग में चलना बोलेगा तो मसीह में होकर चलना, मसीह को जीना है ना। जैसा अभी मानव पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय 27 वचन पर केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ देखा, तुम्हारे चाल चलन कैसे बना? मसीह के सुसमाचार का योग्य, मतलब तुम्हारे चाल चलन बोलेगा तो तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा जिंदगी
मसीह की सुसमाचार का योग्य होना। अभी हम लोगों ने सुसमाचार बोलेगा तो क्या है? यीशु मसीह। सारे बातों का निशुण बोलेगा तो यीशु मसीह है ना, सार यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह की योग्य होना बहुत ही श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन में। पर हमको इतना अनोखा उदार मिला, हमें सुसमाचार मिला, सुसमाचार का योग्य या यीशु मसीह का योग्य जीवन मिलाना है। यीशु मसीह के योग्य जीवन कैसे मिलाएगा? यीशु मसीह के जीवन पाया हुआ लोग ही जी सकता। मतलब उदार पाया हुआ हरेक लोगों को यीशु मसीह मिल गया, यीशु मसीह मिल गया तो उसका जीवन मिल गया। अब ये बहुत बड़ी बात है, वो जीवन से जीना सीखना कोई बात। ऐसा लोग है उड़ा ले जाने वाले लोग है ना। वास्तव में अभी मान लो ये जो शब्द रोमियो 8 का 1 और पड़ोसियों 3 का 4, ये दोनों बात थोड़ा हमें जानने वाली बात है। मतलब जिंदगी आगे किसको नहीं, जो आत्मा की चलाए चलते हैं। इसका आखिरी भाग है गंभीर, परंतु कई परिभाषा में आया नहीं क्योंकि वो खा लिया। उसी प्रकार डाले जाने वाले लोगों के बारे में पड़ोसियों 3 का 4 में क्या बोला? जब मसीह जो हमारे जीवन में हाँ प्रकट होगा। हाँ देखा, हमारे जीवन कौन है? मसीह है। तो मतलब क्या? यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके जीने वाला जीवन। यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके जीने में बिताने का अर्थ क्या? मसीह को जीना। कोई बात है, लेकिन उसको कैसा सिंपल करके समझा सकूं? यीशु मसीह मेरा जीवन बन करके है क्या? यीशु मसीह जीवन बन करके है तो फिर जल्दी नाराज नहीं होगा, जल्दी गुस्सा नहीं करेगा, जल्दी याद नहीं छोड़ेगा। ये सारा अनुभव उसमें आएगा। बहुत गंभीर बातें थी इसको है ना। आज हम प्रभु के साथ चलना, पवित्र परमेश्वर हमेशा साथ में रहता, ऐसा हमें भी प्रभु के साथ में रह करके प्रभु को जीना। यीशु मसीह ने यीशु मसीह जिया तो ये दुनिया में यीशु मसीह बोलता है मैं नहीं किया, मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं किया। कौन किया? पिता ने किया। देखा, पिता को जिया, पिता बोला, पिता ने किया। भाई वही तो मसीह जीवन है। मसीह में आ गया भाई, आपको मालूम नहीं भाई, मसीह ने किया जो किया प्रभु ने किया। इसलिए पौलुस बोलता ना, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से हूँ। देखा, मतलब मैं प्रभु का अनुग्रह से है। वो वास्तव में ये सारा शब्द जोड़ करके देखेगा तो है ना, हरेक बातों में मसीह के बिना हमारे जिंदगी में कोई भी भाग नहीं रहता। इसलिए जो है ना 15:5 में उन्होंने बोला, मुझे छोड़कर तो कुछ भी नहीं कर सकता। बाप रे, वो क्या शब्द है! बोलने का अर्थ क्या है? दुनिया में लोग बहुत कुछ काम करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाता है, प्रभु के साथ है क्या? नहीं। पर बोलने का अर्थ, और वो भी बड़े बड़े दुनिया में लोगों को चकित करने वाला बहुत से काम कर रहा है, पर वो प्रभु के साथ नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे जीवन में और उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके आया, तुमको अवार्ड देता है, स्वर्ग में मिलेगा? नहीं, नहीं, वो नहीं मिलेगा। इसको मालूम क्या है कि प्रभु ने जो बोला, तुम मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकता, बोलेगा तो अनंत काल के लाभ की बात नहीं कर सकता। अनंत काल के लिए तुम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो भी करना है प्रभु ही कर सकता है हमारे लिए। वाह वाह, उन बातों को भी सही रीति में समझेगा तो अभी अपन किसी से बोलता है तो प्रभु बोलना चाहिए, हमें वेट करना, प्रभु आप बोल। ये ऐसा होता है ना, कोई कोई सवाल करेगा तो बोल, तू बोल। ऐसा लोग बोलते हैं तू बोल, तू बोल, मैं नहीं, तू बोल। अरे इसमें भी प्रभु को बोल ना, प्रभु आप बोल, प्रभु आप बोल, मैं नहीं बोलेगा, आप बोल। हाँ ऐसा अगुवाई लेने वही सच्चा आदमी है ना। ऐसा काम इतना तक हमारे में हुआ, कहीं भी जाता है, कोई भी काम करता है और अपन जो बोल भी देता है तो उसमें से अपन थोड़ा परखेगा तो मालूम पड़ेगा हमने जो बोला वो धोखा हो गया। और वो बोलने के लिए आया था, उससे पहले हम बोल दिया
हमारा फौजी भाषा में बोलता है मतलब बिंदु के अंदर घुस करके बात कर बोले के बाद क्या है कि वो कुछ सुनकर समझने से पहले बोलना बहुत धोखा की बात है। अपने जीवन में अनेक बात होंगी, सुनने में तेज और बोलने में धीमा रहना। इसलिए प्रियो हम लोग अभी जीवन का मार्ग में चलने के लड़ाई के बारे में सीखने के बाद में चलाएंगे नहीं, जीवन के मार्ग में एक दिन भी चलाएगी नहीं, ये लोग नहीं परखता। जीवन में चलने का पिछले हमने सीखा, लेकिन चला है कि नहीं ये परखा नहीं तो फिर क्या फायदा। दूसरा हमने क्या देखा था, हाँ मतलब हमारा भरोसा, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रभु का इतना भक्ति नहीं करेगा तो भी अभी तो जिंदगी बिताने के लिए सब कुछ है, इसलिए हर बात में प्रभु का भरोसे में जाने की जरूरत नहीं। देखा कैसे बात है प्रियो, हमारा छोटी छोटी बातों में भी हम कभी भी धन का भरोसा नहीं करते, छोटी बात पर भी। आज अगर आप सोचिए अभी आपको एक एग्जाम्पल बोलेगा तो आपको बाहर निकलेगा प्यास लेगा, आपको बोला चलो पामर नारियल एक नारियल पी लेता, ऐसे विचार आया क्योंकि आपका भरोसा धन में, आपके पास धन है, आपके पास पॉकेट में पैसा है, नहीं तो एक स्प्राइट लेकर पी लेते, एक स्प्राइट लेकर पीता है, क्यों ऐसे सोचा? आपका भरोसा धन पर है, प्रभु मेरे को पानी चाहिए, मेरे को अभी प्यास लग रहा है, ऐसा हम नहीं बोला। आप ये बहुत थोड़ा गहरा बात है, प्रभु वहां पर आपको पानी का प्रबंध करके देगा, आप थोड़ा प्रार्थना करके देखो ना, पर तो आपको भरोसा धन पर है। आप बोलता है कि हर बात में क्या प्रभु को पूछ रहे हो, मेरे पास पैसा है, मेरे को प्यास है, पहले तो पी लेगा, कौन सा ये हो गया मैं थोड़ी चोरी किया। देखा सिंपल लीली में आपको उसका बात समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हम लोग कई बातों में हम लोग क्या करता, हम लोग मतलब धन पर भरोसा करता, तो इस मतलब हमारे पास धन है और हम कैसे भी ले लेते हैं, कैसे भी प्रभु को बिना पूछ कर खर्च करता। प्रियो हमारे पास जो भी दिया उसका एक लेखा लेगा, वो लेखा लेने के टाइम पर अभी बहुत लोगों मेरे को बोला क्या है डब्बा, ये डब्बा लेकर क्यों चलता है, बोल रहा मारी दी कार, अरे बाप रे मेरे को तो पाइप से भी ऊपर अच्छा है, इतना अच्छा है कितने लोगों को लेकर जा सकता है, बहुत है। अरे नहीं 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 आर्टिकल लेना चाहिए, उसमें भी ज्यादा लोग आए यार, देखा धन है तो चलो यार ले लेते, धन भी भरोसा है, अरे काम चला वो सरकार का अपने को काम चलना चाहिए, प्रभु को महिमा होना चाहिए। हम कभी भी अपने को शो करने वाला मैं बड़ा गाड़ी में आया भाई, अपना बड़ाई होने वाला काम नहीं, संबंध या धन पर भरोसा करने वाले में हमेशा क्या होता है घमंड होता है और वो घमंड इंसान को तोड़ देता है। मैं आपको बोलता हूँ आज बहुत लोगों का कई बातों में पतन होने का मेन कारण उनका प्रभु में भरोसा नहीं, उनका भरोसा धन हो गया, धन और धन का भरोसा करने वालों में वो घमंड मिलेगा ही, और परखेगा तो वो घमंड उसमें दिखता है। प्रियो कभी भी ऐसा बात नहीं आना, नहीं तो प्रभु का दिल को बहुत दुख होगा, और वो एक स्वामी है वो हमारे गुलाम होना चाहिए, एक गुलाम के रूप में काम करना। जब एक कई बार इमरजेंसी के लिए भी कहीं जाने के टाइम पर ऐसा परीक्षा होता है ना, लेकिन मैं प्रभु को पूछता हूँ, लोग बोलते थोड़ा और सबर कर अभी घर पहुंचेगा ठंडा पानी पी, लेकिन परीक्षा होता है लेकिन हम प्रभु में भरोसा करते हैं, हमारा भरोसा हमारा प्रभु है। थोड़ी देर प्यास हो गया बोलकर कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता, कोई नहीं मिलता, प्रभु संभालता है। बोलने का अर्थ हम छोटी छोटी बातों में भी
हम प्रभु का महिमा कर पाते हैं क्या? नहीं तो ये बात सुनने के टाइम पर अभी हमने धन पर भरोसा का बात मतलब हमने जो सीखा इसके बाद बरका इतनी बातों में हमने अपने जीवन को बदला। अभी आपको मालूम है मतलब 1 किलोमीटर आज के लोगों को चलना बोलेगा तो बहुत मुश्किल है। तो उनको भरोसा होता है गाड़ी मिलेगा रिक्शा आएगा, अरे दो पाव दिया है अच्छा हेल्थ दिया है चलो ना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वो एक में बोलेगा नहीं रिक्शा आएगा उसमें बैठ कर जाएगा, 20 रुपये देना पड़ेगा कई बार। देखा बोलेगा तो प्रभु को नहीं पूछता, प्रभु आपने मुझे जो बैल दिया है 21 लीटर में, अरे चलते चलते जाने के टाइम पर 10 लोगों को ट्रैक दे सकता ना, और चलकर जाने वाला ऐसा कई लोग रहेगा उनके साथ सुसमाचार बांट सकता ना, बांटना है प्रभु। और तो हमारा भरोसा धन्य, हम कई काम जो करता है उसमें प्रभु का महिमा नहीं होता। देखो अभी इतना गहराई में जाएगा तो लोगों को बहुत लोगों को ठोकर लगेगा, बहुत लोगों को ठोकर लगता है, लेकिन समझदार के लिए सारा काम ही है। भक्तों के जीवन में भी ठोकर खाने के बाद आता है ना, अभी पत्ती 11 दिया आपको मालूम है यवना, यवना बपतिस्मा देने वालों को थोड़ा उसको ठोकर लगा है, इसलिए अपने चेहरों को भेज कर पूछा आने वाला तू है या दूसरा किसी का, क्योंकि अभी हरोदा मुझे को पकड़ करके डाटा है, वो गड़ा काटने वाला है काटेगा ही हो मुझे खत्म करेगा। अब हम आपको भरोसा किया आप माँ करके बजाएगा, लेकिन अभी तो लक्षण बोलता है नहीं होगा ये है, इसलिए थोड़ा यौवन घबरा गया है। अभी यीशु मसीह ने हमें वही से बोला नहीं, यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम लोग जा करके उनको ये बताओ दरिद्र को सुसमाचार सुनाता है, कंगालों को सुसमाचार सुनाता है, कौन सुनाएगा? देखा ये सुन करके यवना समझ गया नहीं मैं मेरा जीवन में मुझे अविश्वास करने की जरूरत नहीं, वही है वही है, यही तो बात है। हमारे जीवन में ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मतलब समस्या आएगा तो अपने को प्रभु बात करेगा ना, हमारे प्रभु से कोई भी बात असंभव है नहीं, लेकिन प्रियो हमारा पूर्ण भरोसा हमारे प्रभु होने चाहिए, प्रभु में हमारा भरोसा रखे, ऐसा भरोसा रख करके जीवन बिताने में मैं कहां तक भी जीऊंगा बहुत गंभीर बात है। तीसरी बात क्या था? हाँ मन की मीठा प्रियो वास्तव में आपको मालूम है ना, एक एक छोटा नेगेटिव विचार में कितने लोग जाकर आत्महत्या करते हैं। अभी मतलब कई बार पेपर में आया एक बच्चा सोचा मैं फेल हो जाएगा, वो एक विचार जबकि फर्स्ट क्लास में उसका रिजल्ट आया, लेकिन उससे पहले वो आत्महत्या किया अपने आप को फांसी दिया, और वो एक विचार उसने अपने जिंदगी को खत्म कर दिया। देखा इतना भयंकर बात है। तो हमें अपने जीवन में हमको जो परमेश्वर की इच्छा खिलाफ उठने वाला विचार हो वो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कल की चिंता हो उनके बारे में, बच्चों की चिंता हो उनके बारे में, ऐसा कोई भी चिंता हमें अगर दबाता है उसमें हमें सावधान रहना, और ऐसा नहीं है तो बर्फ को हमें धोखा दे सकता है कई रीति में उन बातों को देगा। अभी भी हमारा चिंता हमेशा इस पे भी मेरा प्रभु का महिमा होगा, मैं इस विषय में प्रभु का कैसा महिमा कर सकता है। कई जगह पर कई बात जो होता है वो तो बोलते हैं उधर जाएगा तुझे मार मिलेगा, सर्वे एक विचार है जाएगा नहीं सुसमाचार सुनाएगा नहीं, उधर जाएगा कुत्ता काटेगा, देखो जाएगा ही नहीं, एक विचार आया प्रभु का महिमा नहीं करेगा। प्रयोग त्रिय बार ऐसे ऐसे विचार ने धोखा दिया, आज ऐसे बातों पर हमें पछता हुआ क्या, हमें एक परिप्राप्त हुआ क्या, मैं ऐसे बातों पर विजय हुआ क्या, हमने जो भी बात सीखा सीखने के बाद में कितनी बार परीक्षा आया होगा, वो परीक्षा में डूब गया है, परीक्षा में लोग डूब जाता है। प्रयोग अपने को बहुत लोगों ने ऐसे बातों पर हर गया, ये हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। और चारों बात हमने देखा विश्वास की लड़ाई है ना, एक्चुअली मतलब हम लोग उस विश्वास की लड़ाई में विजय पाया हुआ लोगों का लिस्ट
इब्रानियों 11 अध्याय में दिया है, वो बातों पर अपन गया ही नहीं, क्योंकि उसको छूने के लिए जाएगा तो क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन को लेकर के हम कितना भी स्टडी करेगा तो बहुत गहरी बात है ना। प्रियो हमारे एक बात को जानना है, प्रभु के साथ की यात्रा में हर बात में हमें विश्वास होना चाहिए, और जहां पर विश्वास है वहां पर आगे जाने जाए। वो बात वो जो नव पॉइंट जो बताया उसमें लोगों को समुचित में क्लियर हो गया करके सोचता है ना, मतलब हमारा विश्वास का सीधा दुश्मन अविश्वास। पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ बातों पर संदेह ला करके उन बातों से हमें दूर ले जाने के लिए विरोधी हमेशा कोशिश करता है कि हमारे प्रभु आएगा, आज आएगा, ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। क्योंकि आज नहीं आएगा तो नुकसान कुछ नहीं, हमारे को लाभ है। आज आएगा, अनेक पवित्र अभी पिलिग्राम ने कई प्रचार में बताया वो बात, पिलिग्राम की जिंदगी में प्रभु आएगा ऐसा विश्वास से वो सेवा किया। अपना भक्त सिंह का पूरा विश्वास था उसके जीवन में प्रभु आएगा और वो चला गया भाई। अभी इस पीढ़ी में मेरा विश्वास है मेरे टाइम पर प्रभु आएगा। हो सकता है प्रभु आज बुलाएगा तो मैं जाएगा, फिर भी प्रभु नहीं आया, लेकिन आएगा पक्का, आएगा पक्का आएगा, लेकिन प्रभु का समय में आएगा, प्रभु का करेक्ट एक टाइम निश्चित है। प्रभु समय के अनुसार काम करता है। अभी मरियम आकर के प्रभु को बोला कि मानव इधर भोजन में डार्कनेस खत्म हो गया, मेरा समय नहीं है। क्या बोला? मेरा समय नहीं है, मेरा जो भी काम करने के एक समय है, मैं वो समय का वेट कर रहा हूं, मेरे समय आएगा। अभी योगना कह रहा था एक बाला वजन में प्रभु ने क्या बोला? समय आ गया। देखा है, अभी समय आ गया। देखो बहुत गंभीर बात है, प्रभु को करेक्ट मालूम, पर अब मेरा समय हम लोग मालूम नहीं। मीटिंग के टाइम तक नहीं पर मीटिंग के टाइम तक मालूम नहीं, कितना बजे की मीटिंग है भाई मालूम नहीं। देखो हजार बार याद ही रहता है, यहां पर प्रभु को कोई बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु हर एक बात तो समय की बात ही एक लंबी बात है ना। समय की पूर्णता में यीशु मसीह स्त्री के संतान होकर के ये दुनिया में जन्म लिया, हर एक काम प्रभु का प्रभु में चलने की बात, मेरा समय नहीं आया, तुम रोज जाओ, तुम्हारा तुमको कभी भी समय है, मेरे को एक नियुक्त समय, मैं वो समय के अनुसार चलता हूं। कैसे चलता? समय के अनुसार। आज हम समय के अनुसार चलता है क्या? हाँ, हमें वो बात को करना, हमें सुबह उठने का कोई टाइम नहीं, उठ गया तो उठ गया, ऐसे ही क्या नहीं, नहीं। हमें ऐसे बातों पर भी अंचल होना, हम लोग ऐसे बातों में डिसिप्लिन देखना। मैं रोज 4 बजे नहीं तो 5 बजे 5 बजे उठकर मैं प्रभु को उसे मिलेगा, वो एक निर्णय लेकर के उसके अनुसार चलना है, ऐसा लोगों को प्रभु सम्मान करेगा। ये सब प्रभु की महिमा के लिए, ये कोई खुद की बढ़ाई के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु से आलोचना पा करके प्रभु में बढ़ने के लिए। लेकिन हमें एक सच्चा एक जीवन में एक समय का इस्तेमाल करने के लिए हम पंचल होना चाहिए। कोई भी टाइम खाना खाता है क्या? अधिकतर खाना खाने के लिए ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं, कोई 12 बजे प्रकाश का था क्या? नहीं, बोलेगा तो 7-8 बजे के बीच नॉर्मली है, तो इसके बाद में फिर उसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलता, उसका नाम बदल जाता है ना। इसी प्रकार रात को जाकर कोई ब्रेकफास्ट करता है क्या? नहीं करता। तो बोलने का अंतर अनेक बातों का एक नियमित समय, समय के अनुसार, समय के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हमने वो बात को भी देखा, अभी आज ये पांचों बात देखी, जो बात क्या मालूम है बहुत गंभीर बात है, इसलिए ये सारे बात बोलकर आया क्योंकि ये विषय क्यों है बहुत गहरा है, सब विषय गहरा है, मतलब गंभीर विषय। वो बात क्या है? मतलब भजन संहिता 4 अध्याय का 3 भजन का शुरुआत,
भजन संहिता चार अध्याय का यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। तो आपको हेडिंग क्या देगा है? है? अलग वाई के जीवन क्या है? अलग वाई के जीवन प्रभु ने अलग किया। वो लोग अलग वाई में जीना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। शैतान सबसे ज्यादा नफरत करने वाला बात है अलग वाई। प्रभु का पवित्र लोगों को प्रभु ने दुनिया से अपने लिए अलग किया, और शैतान कभी नहीं चाहता कि हम अलगवाई के जीवन बिताए, है ना प्रियो? हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना। आज बहुत लोगों का जीवन में आया हुआ एक बहुत बड़ा गिरावट का कारण क्या है, उनको अलगवाई क्या है मालूम नहीं। देखो, अगर ये बात को अगर आपने नहीं समझा और एक होटल का जीवन बिताया, कोई फायदा नहीं। हमें प्रभु ने अलग किया है तो हमें अलग रहना ही है। हमारा जीवन का अलगवाई की बातों पर आज एक क्लास होने के टाइम पर आपको मालूम पड़ेगा कितनी जगह पर मैंने धोखा खाया। मैं ठोकर खाता है क्यों? बहुत गंभीर विषय है ये। जो अलगवाई को अगर आप ठीक से नहीं जानेगा, एक विजय जीवन हो ही नहीं सकता। प्रभु की संगति आपको मिलेगा ही नहीं। अलगवाई एक एक बात यहाँ पर बोला वो बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे जीवन में अलगवाई है क्या? प्रभु बोलता है भक्त को मैंने मेरे लिए अलग किया है। अलग किया वो लोग अलगवाई में रहना, है ना। वही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी मानव चेलों को कहने के टाइम पर बोला था, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18-19 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखो, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, मतलब प्रभु में आने के बाद में आना लोगों को जल्दी समझ में आएगा सही में प्रभु ने मुझको चुना है। क्यों? प्रभु को चुना हो लोगों, ये दुनिया कभी प्यार नहीं करेगा। दुनिया बोलेगा अरे ये कल तक हमारे साथ चलता था, हमारे साथ ताश खेलता था, हमारे साथ पिक्चर देखने के लिए आता था, हमारे साथ सिगरेट पीता था, हमारे साथ सारे मानव बातों में मिलता था, ये अभी उसको कुछ तो हो गया है, हैं? अभी इनके साथ संगति करना हमारे लिए योग्य नहीं, क्योंकि ये हमारा खुशी इनको अच्छा नहीं लगता है। बोलो एक नफरत करेगा। अब देखा, ये बात सच है ना? ये दुनिया की सभी लोग हमको बैर करेगा प्रियो। प्रभु ने चुना हुआ लोगों को दुनिया बैर नहीं किया तो प्रभु का चुनौती उसमें आया ही, ये बात पक्की बात है ना? क्योंकि मैं आपको बोलता हूं ऐसा ये एक एक वजन सत्य करके जीवन में चक करके अनुभव किया मैंने, क्योंकि मेरा बहुत दोस्त लोग था। मैं प्रभु में आने के बाद में मैंने मेरा दोस्तों के प्रति, मेरे घर के लोगों के प्रति, मेरे बिंदु लोगों के प्रति मेरे दिल में आया विचार क्या था, हे मैं अभी ये सब जा करके बोलेगा तो वो लोग इतना आनंदित हो जाएगा, वो लोगों भी प्रभु में आएगा, ऐसा मैं सोचा। बाप रे, मेरा सोच कितना गलत हो गया। देखो ये बात सच्चे प्रियो, हम बहुत आनंद के साथ खुशी के साथ हम अपने घर में अपने दोस्तों को प्रभु का सुसमाचार सुनाता है तो वो लोग धीरे से कौन है, जैसे आदम ने पाप किया शहर बोला तू कौन है, मेरे को पता नहीं, अभी मैं तेरी बात नहीं मानेगा। देखा, तो भी सबका हिंद आदम था, अभी आदम ने पाप किया तो बाकी सब में मतलब वो रिवील आ गया, रिवील से आ गया। देखा, भयंकर बात है। अभी अपन प्रभु को पा करके हम बहुत आनंद के साथ, हम बहुत खुशी के साथ उनको बोल रहा है, वो लोग बहुत गुस्सा से देखते हैं,
देखो क्या बोल रहे तुम, दुनिया की बात नहीं, किसके बात बोल रहे, मेरे को क्या हो गया ऐसा बोल रहे। मतलब जो पागलपना करता था अब ओके, और जो सच्चाई में चलने लगता है वो बोलता है ये पागल हो गए, कौन है पागल, सचमुच में कौन है पागल। देखा मतलब शैतान का काम करते रहने वाले लोग बुद्धिमान और प्रभु के काम करने वाला मूर्ख। तो आज दुनिया की अवस्था है, सच्चाई को झूठ बोलेगा और झूठ को सच बोलेगा। इतना भयंकर बात है, इतना भयंकर बात है। इसलिए अपने जीवन में परखना, प्रभु आपको चुनने के बाद में अभी भी आपका पुराना दोस्त आपका अगर आपका अभी भी दोस्त है तो आपको प्रभु का बुलाहट मिलाएंगे। क्यों इसका 22 में क्या बोला, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। कौन कौन? सब लोग। देखा उसमें माँ भी आएगा, बाप भी आएगा, भाई भी आएगा, बहन भी आएगा, पति भी आएगा, बच्चा भी आएगा। देखा देखो कई लोगों को उन लोग पहले विश्वास में था उनको ऐसा मुसीबत नहीं आया होगा, लेकिन एक नया विश्वासी के लिए ये सारे बात संभव है, ये बात सच है। सब लोग बात करता प्रेम में बोला अभी क्या होगा, मैं इतना रोने लगा, मैं बोला प्रभु मैं सोचा ये लोग सब अपकरण करेगा और ये तो सब मेरा दुश्मनी हो गया, वो लोग क्या क्या मुझे बोलने लगा, बहुत कुछ निंदा करने लगा, इतना वो बोलते हैं कि अमेरिका से भेजा था इसको और हमको देखा क्या क्या बात कर रहे हैं प्रियो, इतना झूठ बात है। मतलब क्या है कि वजन सत्य है, हरेक वजन सत्य है। इसलिए हमें कभी भी दुनिया नफरत किया बोल करके मतलब प्रभु की व्यवस्था से अभी पीछे नहीं हटना। प्रभु के वजन हमारे जीवन में पूरा होता है तो हमें हमारे विश्वास में और भी मजबूत होने का एक कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार लोग प्रभु में आने के बाद में प्रतिकूल को देख करके पीछे गया, वो बहुत लोगों का जीवन में जानता हूँ। नहीं प्रियो, हमें प्रभु ने बुलाया है तो कभी भी पाव पीछे नहीं रहते, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ प्रभु का महिमा हो जाएगा। कैसे भी हमें मतलब धोखा देने के लिए विरोधी कोशिश करे, एक विश्वासी को शुरुआत में ही गिराने के लिए वो पूरा कोशिश करे, ऐसा है तो फिर वो आगे बढ़ने का सवाल नहीं है ना। प्रभु बोलता है मेरे तुम्हें चुना है। अभी अभी क्या हमारा ये वचन संदेश सुनने वालों को कितने लोगों का अनुभव है, प्रभु में आने का कारण आपको लोग नफरत किया है कि नहीं। आज कई लोग क्या बोलता है, ठीक है ना अभी प्रभु को ग्रहण किया आज तो क्या हो गया, अभी वो तो एक दो का हो गया, फिर अभी ज्यादा भक्ति मत करो, ज्यादा भक्ति करेगा तो ज्यादा प्रार्थना करेगा तो समस्या बढ़ेगा, ज्यादा भक्त बन कर दिएगा तो प्रतिकूल बढ़ेगा, ऐसा बोल करके लोग आलोचना देता है। कौन आलोचना देता, शैतान। फिर वो बात मान लेते मिडिल में लोग इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ऐसा क्या, ऐसा होता है क्या? हाँ बहुत लोग ऐसा करता है, इसलिए वो ज्यादा संगति में नहीं आता। ठीक है विश्वास है भाई, संडे भी जाएगा प्रोमेश भी लेगा, देखो क्या उनका विचार है, प्रभु के लिए समय नहीं, अभी तक उनको मालूम नहीं मैं किसका है, प्रभु में आने के बाद में हम किसका है, प्रभु का है। मैं आपको आपको बोलता ना कि जब तक मालूम प्रभु ने मुझे आर्मी में देखा मैं रोज रोता था, प्रभु मैं वास्तव में आपकी इच्छा के अनुसार सेवा कर पा रहे क्या, क्योंकि अभी आप बोलेगा तो आज बॉम्बे जाओ मैं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगा। फिर प्रभु ने मुझे बहुत साधन दिया, मैंने प्रभु ने बोला मैं तुझे बोला ना तुझे बॉम्बे में नहीं जाना, तुझे इन लोगों के बीच में मैंने गवाही देना है, जो दूसरा लोग नहीं कर सकता ऐसे जगह का गवाही के लिए मैंने तुझे खड़ा किया, तू टेंशन नहीं लेना,
तुमने बहुत बार मुझे सांत्वना दिया और बताने के लिए मेरे को बोला मैं बोलेगा तब तो निकल। सच में मेरे को बड़ा बोझ था प्रभु, मैं ये भी करना चाहता हूँ ऐसा अभी दावीद मंदिर बनाना चाहा, प्रभु ने बोला तू नहीं बनाना, ऐसे बात हो गई। हम प्रभु के लिए ज्यादा करने का बहुत जोर आ जाता है, कभी भी प्रभु बात करता और प्रभु का समय में प्रभु ने ऐसे किया, जब ये सुनाया तो हम लोग वही बात बोल रहा था है ना। मतलब कई बार यहाँ पर जब सेवा शुरू किया लोगों को, इधर का लोकल लोगों ने, इधर का जो हॉस्टल लोगों ने उनको क्या बोला, ए वो मद्रासी है तुम लोग उसके बीच मत जाना, वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मद्रासियों का इधर देखा होगा देखा, परंतु प्रभु का बुलाया लोगों को उन्होंने नहीं देखा, प्रभु का नियुक्त लोगों को उन्होंने नहीं देखा। ये सबसे बड़ी बात है न, कई बार लोग बोलता है पर हम प्रभु का सेवा करता है, तो प्रभु का दास नहीं, प्रभु का दास नहीं होते हुए प्रभु का सेवा कैसे करेगा, प्रभु का नियुक्त किया होना चाहिए। मैं कई बार मानव संगठन के लोग मेरे को बोलते हैं, तुम्हें बोलते हैं आप प्रभु का दास कैसे बन सकता, क्योंकि अभी तक आपने प्रभु के हाथ में दिया नहीं, आप संगठन के हाथ में दिया, संगठन आज बोलेगा तू बिस्तरा इधर से आज बांधो, इधर से ट्रुवांड्रो भागो, वो भागेगा देखा, वो कैसा प्रभु का दास है। प्रभु बोलते हैं तू इधर रहो, संगठन बोले तू उधर जाओ, इसके बाद मानेगा संगठन का देखा। प्रियो प्रभु का दास प्रभु की इच्छा में सेवा करेगा, बहुत बड़ी बात है ना, ये भी बात अनोखे बात है। तो इसलिए प्रभु ने जिसको अपने लिए आदर किया है, पहली बात मैं प्रभु के लिए आदर किया, इतना जानकारी हमें होना चाहिए, अलग किया है तो उस अलग में अलगवाज में आने के कारण अनुभव भी होना चाहिए, प्रभु ने अलग किया लोगों को अनुभव होना चाहिए। आज भी मैं एक बात आपको बोलूं, कई प्रकार का सजावट होता है भाई, तो आज एक सच्चा भक्ति के जीवन में विधाता होकर के कितने लोग गवाही दे सकता है, एक सच्चा भक्त का चिन्ह क्या रहेगा, सताया जाएगा। ये दुनिया में आप रहता है ना, दुनिया से आप चला जाने के बाद सतावट नहीं आएगा, लेकिन अभी आप दुनिया में है, शरीर में है, आपको सतावट आएगा, वो कैसा भी सतावट आ सकता है, लेकिन वजन नहीं बदल सकता है ना। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय का 12 वचन, के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। नहीं, उसमें से 50% सिस्टर ऐसे क्या नहीं, सब सताए जाएगा। देखा, सब सताए जाएगा, कितने लोग सतावट में चलता है आप सोचो, कितने लोग भक्ति के कारण सताया जा रहा है, वो ये एक बड़ी बात है, भक्ति के कारण। कोई गेस्ट आ गया, गेस्ट को बोला चलो तुम भी चलो प्रेयर में, नहीं नहीं यार मेरे को प्रेयर में नहीं चलने का, चलो फिर मैं भी तेरा कुछ करने के लिए, तेरा सेवे के लिए मैं रुकता था, और रुक जाता नो प्रॉब्लम, अरे तू नहीं आ रहा है मैं जाता हूं। अरे क्यों, तू कैसा है, मैं तुम्हारे घर में आया, तुम मेरा अवनय नहीं करता, मैं सबको बोलेगा देखा, सतावट नहीं चाहता, बिजना भी नहीं चाहता, लोगों को खुश करना चाहता। भक्त है आप इस बात को भक्ति समझता है, आपको बहुत बड़ा निश्चय हुआ, बड़ा गलती हुआ आपकी, उसको भक्त नहीं बोलता भी है ना। आज लोगों को मैं आपको बोलता हूं, थोड़ा सा रगड़ कर देखेगा तो मन पड़ेगा कितना भक्ति है, कितना प्रभु का भय है, जीवन में फर्क हो गया, स्वयं को एग्जामिन करो, कितनी बार हमने प्रभु की संगति को तुच्छ किया, प्रभु के लिए आने दिया हमें, जहां पर मिलना चाहिए मैं वहां पर नहीं मिलता, मैं
लोगों को खुश करना चाहता। कैसा भक्ति है? इसको भक्ति बोलते हैं, आप अभी तक अलग नहीं हुआ, आप दुनिया के साथ जोड़ा हुआ है, दुनिया की मित्रता चाहता है, दुनिया की प्रशंसा चाहता है, दुनिया में आप दुनिया में दुनिया का भक्त बनना चाहता। प्रभु कहने लोग जरूर तारीफ करेगा, अरे उन्होंने कितना अच्छा भोजन किया, समुद्र भी छोड़ दिया, प्रभु को भी छोड़ करके हमारा बहुत सम्मान किया। देखा कौन उनका मूर्ति, वो गेस्ट उनका मूर्ति है। प्रियो कितनी लोगों के जीवन में अभी भी अपर को कितना मूर्तियों को लेकर के चल रहा है, प्रभु को जीवन में कुछ भी स्थान नहीं, प्रभु को जिंदगी से ही निकाल दिया, फिर भी लोग बोलेगा मैं बाइबल रोज पढ़ता है, नामदारी लोग जो जितने उधार नहीं पाए वो भी पढ़ता है, ऐसा है प्रियो। हम लोग कई बार सोचता है कि मैं बाइबल पढ़ता है तो मैं संगनी में जाता है तो मैं प्रोमेस लेता है तो अपने आप को भक्त समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। एक सच्चा पति के जीवन को हमें सही रीति में जानना और हर प्रकार कई रीति में पूरे सतावट में गुजरना पड़ेगा, जब तक आप दुनिया में, जब तक आप शरीर में कई प्रकार का सतावट आएगा। इसलिए यीशु मसीह प्रियर बोलता है प्रभु चुने में लोगों के प्रति, ये वरना 17 अध्याय उसका 14 वचन और 16 वचन, संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आप मुझे बताओ, प्रभु यीशु मसीह बोलता है प्रभु की चुने हुए लोगों को ये संसार ने बैर किया। प्रियो आज लोग हमें बैर करता है क्या? जरूर, क्योंकि हम उनके कामों के अनुसार काम नहीं करता, उनकी जैसा मूर्ति पूजा नहीं करता, उनकी जैसा मतलब इन ये प्रकृति की दंडवत नहीं करता, उनके आचरण जैसा कार्य नहीं करता, उनकी जैसे हम बात बोलता नहीं, इसलिए संसार हमें बैर करेगा भी। उसका 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखो पिता को बोलता है, पिता मैं जैसा संसार का नहीं, इसी प्रकार तेरा चुना हुआ तेरे लोग ये संसार का नहीं, क्योंकि जो तेरा है वो उसको ही मुझको दिया, उनको ही मैंने दुनिया से अलग रखा, फिर वो दुनिया का नहीं। कितना श्रेष्ठ बात है, मैं आपको बोलता हूँ, हमारा सोच हमारा अनेक काम ये दुनिया के लोगों के जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह का प्रतिकूल अनुभव में प्रभु वो बात को स्पष्ट किया, योहन्ना 18:36, योहन्ना 18:36, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। देखा, मेरा राज्य ये संसार का नहीं, मैं राजा है, मैं जरूर राजा है, पर जो मेरा राज्य ये संसार का नहीं है। मेरा राज्य अगर संसार का होता तो मैं राजा होने के कारण मेरा प्रजा मेरे लिए काम करता। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, नहीं जाता। देखा कितनी बड़ी बात है, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं, मैं कहाँ का है, मेरा राज्य कौन सा, ये सब बात प्रभु को मालूम। उसका 8:23 बजे, जो है ना 8:23, उसने उसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। देखा आज इतनी विश्वासी लोग प्रभु में आकर के एकदम नया विश्वासी लोग यहाँ पर बहुत कम है, अभी भी आपको ये विश्वास है क्या मैं संसार का नहीं, मैं कहाँ का है, स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक है। अरे उधार पाए हुए लोग आप लोगों को ऐसे बात बोलने में कितना खुशी होनी चाहिए, मैं स्वर्ग का नागरिक है, मैं संसार का नहीं, मैं संसार की जैसा काम नहीं कर सकता, संसार के लोग भी जैसा हम व्यवहार नहीं कर सकता, हमारा व्यवहार हमारा उस स्वर्गीय स्टैंडर्ड का है। प्रभु बोलता है मैं ऊपर का है, तुम नीचे का है,
इतना बड़ी बात है, इतना बड़ा अंतर है। हम लोग नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग कम से कम अपने आप को समझना प्रियो, हमें इसलिए कितना अनेक प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। दुनिया के लोग जैसे जैसे बात करता है उनके साथ हम बात नहीं कर सकता, उनकी बातों के पीछे हम नहीं जा सकता। वो लोग थर्ड क्लास बात करता है क्योंकि वो थर्ड क्लास है, वो ये दुनिया का है। हम लोग टॉप लेवल का स्वर्ग का है, कैसे बात करेगा? हाँ तो हाँ, ना तो ना। देखा हमारी बातों में, हर बातों में प्रभु का महिमा होना चाहिए, हमारे हर एक चाल चलन में वो अंदर आना चाहिए। पर नहीं दिखता इसलिए डाउट है। अभी देखिए इनका उधार हुआ ही, इनका नया जन्म हुआ ही, ठीक है। मतलब नया जन्म पाने के बाद में सच्चा प्रकाश पाने तक सब प्रकाश के ऊपर है। और जैसे प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, एक व्यक्ति पर होना ये कितना बड़ी बात है। अगर प्रभु एक बात को ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात भी अगर आप आत्मा में नहीं रहेगा तो इसका सच्चा प्रकाश आपको ऊपर गिरेगा नहीं, ऊपर से जाएगा। हर एक बातों को हमें समझने के लिए उस वचन को समझाने वाला आत्मा की तरफ से हमें मदद मिलना चाहिए, प्रभु का सहायता हमें मिलना चाहिए। प्रभु इस वचन को प्रकाश करके नहीं देगा, नहीं मिलेगा। शायद 36 वचन संहिता का 9 वचन में, 36 का 9, तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाए। देखा, तेरे प्रकाश के द्वारा हमने उस वचन का सच्चाई को जाना। देखा, बोले का मतलब प्रभु ने प्रकाशित किया इसलिए उस वचन का सच्चाई समझ पाया। बहुत गहरा बात है, मराठी में कैसा है? तुझा प्रकाश ने प्रभु प्रकाश करके देगा। तो शायद यिर्मयाह 11 अध्याय का 18 वचन पढ़ना, यिर्मयाह 11 का 18। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई। देखा, यहोवा ने बताया या प्रभु ने वो प्रकाश दिया इसलिए मेरे को मालूम हो गया। प्रभु अभी इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता ना, प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हम जो भी बात सुनता है ना, बहुत आत्मीय गहरी बात है। मैं इसलिए बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये थोड़ा समझने के लिए लोगों को दिक्कत लेगा। है प्रियो, आज ये जो बोलने जा रहा हूँ बहुत गंभीर विषय है, अलग हुआ है। शुरू से प्रभु ने अलग करना शुरू किया, अलगुवाई बिल्कुल विरोधी, बिल्कुल नहीं चाहता। अलगुवाई तोड़ देगा तो फिर प्रभु का महिमा हो गया। बहुत गंभीर बात है। अभी प्रभु प्रकाश प्रकाशन नहीं देगा तो एक व्यक्ति को कैसा प्रकाशन मिलेगा? उनका अनेक बात धोखा रहेगा। अब मतलब यीशु मसीह ने पूछा ना, मतलब लोग मेरे बारे में क्या बोलते है ना, जब मत्ती 16 का 13 वचन में है ना, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा लोग मनुष्य के पुत्रों को क्या कहते थे, क्या कहते तो क्या कहता था। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। सही बात है क्या? नहीं। और कुछ एलिया? एलिया सही बात है क्या? नहीं। और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई कहते हैं? देखा, इनका कोई भी कहना सही है क्या? नहीं, सही किसी का नहीं। फिर सही कौन बोला? पत्रोस। पत्रोस ने कैसे अपनी ज्ञान से बोला? नहीं बोला। वाह, ये बात है। उसका 17 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात उस पर प्रकट की। देखा प्रियो, इसका मतलब पिता प्रकट नहीं करेगा तो ये बात को कोई नहीं जान सकता। पिता पुत्र को प्रकट करता और पुत्र पिता को प्रकट करता। हमें पिता को जानना है तो पुत्र हमें वो प्रकट कर देना है, हमें पुत्र को जानना है तो पिता हमें प्रकट कर देना है, नहीं तो नहीं जान सकता। आज हमने उधार क्यों पाया?
पिता ने हमको प्रकाश करके दिया, ये प्रकाश पिता ने दिया हमको। पिता के मानव अपना जीवन का अनुभव में प्रेरित पौलुस कहवाई देता ना के रातियों 12 अध्याय का 1500 वचन, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा, मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। किसको प्रकट इच्छा हुआ? पिता को। देखा, इतना अनमोल बात। तो हम लोग जो भी प्रभु यीशु मसीह के निकट आया, कैसे आया? पिता की ओर से आया। वो सच में एक बात है, ये जो उदार पाया हुआ चुना हुआ लोगों को आत्मिक जन पहचान सकता है, आत्मिक जन पहचान सकता है, क्योंकि अपन हर एक बात को कैसे पहचानता? वचन की द्वारा, वचन की द्वारा। एक व्यक्ति ये उदार पाया है कि नहीं, या ये प्रभु की चुना हुआ है कि नहीं, एक आत्मिक जन समझ सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होता है या वचन की द्वारा होता है। देखो, वचन भी जानना, साथ ही साथ प्रभु की आत्मा उनको उस विषय में प्रकाश देगा। हर एक बातों में इंपोर्टेंट बात है। एक व्यक्ति, क्योंकि जब वही योहन्ना 17:8 में प्रभु ने पिता से क्या बोला था? क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। देखा, ये उन लोगों को कौन प्रकाशित किया? पिता ने। किनको? चेलों को। उसका चेलों जी पढ़ रहा, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों को प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। कौन दिया? पिता ने दिया। देखा, पिता ने हमें मसीह को दिया। वो वास्तव में प्रियो, हम लोग ये एक एक बात उसको सही रीति में जानेगा तो मतलब हमारा कोई भूमि है क्या है? हमें प्रभु ने सही समय पर वचन सुना करके जहां पर देखो हमको पकड़ने का, ये दुनिया में हम लोग कोई भी अपना इच्छा से आया क्या? प्रभु की इच्छा से आया। मैं कौन सा स्टेज में, कौन सा मतलब माँ बाप का, कौन सा घर में, कौन सा माँ बाप का होकर के मैं जन्म लेना चाहिए करके कौन प्लान किया? प्रभु ने। मैंने प्लान से ऐसा कोई घर में जन्म लिया क्या? नहीं। तो मैं इधर से जब जाएगा, ये कहाँ पर जाना है वो मेरे चुनौती, उसके लिए प्रभु ने मुझे को अधिकार दिया, स्वर्ग जाना या नरक जाना, ये दोनों बात प्रभु ने अपने सामने रखा है। देखो, अभी चुनौती करना अपने काम, चुनौती में अगर हर गया बहुत बड़ा धोखा, और इसमें तत्कर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह हमें नहीं मिलेगा तो हम सही चुनौती नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ना, तुमने मुझको नहीं मैंने तुम्हें चुना। प्रभु हमें चुनने के बाद में भी हमारे जीवन की यात्रा चुनौती में, अभी मुझे क्या करना, आज सुबह उड़ा उड़ने के बाद में अपने आप को इनकार ना, मैं आपको बोलता हूँ ना, ये बहुत गंभीर बात है। हम किसको आनंदित करना चाहता है? एक मसीह जीवन में, एक मसीह व्यक्ति होकर के जीना है तो हमें एक सच्चा चेहरा बनकर के जीना है, एक सच्चा चेहरा बनकर के जीना है तो हमें रोज अपने आप को भी इनकार करना, सबको इनकार ना, आखिर में अपने आप को भी इनकार, तभी मसीह जीवन संभव है। इसके अलावा कोई इच्छा अंदर रह करके मैं विजय मसीह जीवन मिलाऊ का सोचता है तो आप भयंकर ठोकर खाएगा। उसका एक बात लूका उसका 14 अध्याय उसका 26-27 वचन में इतना डिटेल से दिया हुआ है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, इतना गंभीर बात यहाँ पर वचन गाता है,
मेरे जीवन में एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक चेहरा बनना है। मेरे जीवन में मुझे माँ बाप को भी नफरत करना पड़ेगा। मतलब क्या है? अपनी पत्नी, अपनी बच्चे सबसे कैसा बच्चा बोलेगा, डैडी आज आप मेरे को पिक्चर जाना है, क्या बोलेगा? सिनेमा क्या बोलेगा? कहां से ये बात सीख करके आया है? प्रभु के लोग ऐसे करते हैं क्या? डांटेंगे उसको, जा करके बैल पढ़ो, उसको अच्छा नहीं, नम्रत हो गया, नम्रत हो गया। पिताजी ने बोला बेटे जा करके एक पाई की सिगरेट ले आओ, क्या लाओ? सिगरेट, नहीं तो एक पाव, क्या बोलता शराब का, सॉरी मैं नहीं जा सकता। अरे बाप का बात नहीं मानता, नहीं माने फिर क्या हो गया? दुश्मनी बन गई। देखा भरी में ऐसे हुआ, बिजली में हमको सबूत के साथ बोल सकते हो। जब उधार पानी से पहले मेरे पिता जी वाले है ना, एक स्पेशल बीड़ी पीता, बीड़ी वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर में एक व्यक्ति बनाता है। सब इन लोग कुछ स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनके लिए बनाता है। तो मैं प्रभु में आने से पहले मैं उधर जाकर के लाता था। जब मैं उधार पाने के बाद में जब मेरे को बताया, मैंने डैडी को बोला, डैडी ये काम अभी मैं नहीं करता, मैं आपको ऐसा गलत चीज ला करके मेरे हाथ से मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इससे आप प्रभु का मंदिर को नाश कर रहा है तो प्रभु आपको नाश कर देगा। मैंने उनको बहुत प्यार से समझा है, उसको पहले बहुत दुख लगा, बाद में उसको समझा कि मैं जो कर रहा है गलत है। देखा तो प्रियो, हमारे जीवन में हमको कई रीति में उन लोगों की बात अब नहीं मानेगा तो हम उनका विरोधी बन जाता। लेकिन हमें प्रभु को इन सबसे बढ़कर प्यार करना है, जबकि हम पहले से बढ़कर उनको प्यार करता है, लेकिन उनको वो बात समझने के लिए देर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? उनका हर बात मानेगा जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, बाहर से नहीं। वो कोई भी हो, इतना भी बड़ा अधिकारी भी। हमें अभी शत्रु के मेष का बुजुर्ग को क्या हुआ? अरे राजा ने बोला ना, आजकल के लोग तो बोलेगा तो अधिकारियों के वश में लेना, बाइबल का वजन लेगा। अधिकारी जो बोलेगा ऐसे करो ऐसे ही, क्या वजन के खिलाफ है तो नहीं मानना। अधिकारी भी बोलेगा वजन के खिलाफ बात बोलेगा, प्रभु का जो कभी नहीं मानना भी, उसके लिए दाम देना पड़ता। वहां पर अभी सतर्क में से कभी लोगों को क्या आइया मिला? हाँ मूर्ति को दंडवत करो। उन्होंने क्या बोला? नहीं नहीं भाई, हम यहूदी है, हम मूर्ति पूजा को पाप समझता है, पर हमारा परमेश्वर जिंदा है, हम जीवित प्रभु को छोड़ करके ऐसा जिसमें जान नहीं, जो आंख है देखता नहीं, मुंह है बात नहीं करता, नाक है श्वास नहीं लेता, कान है सुनता नहीं, पाँव है चलता नहीं, हाथ है घूमता नहीं, ऐसा के सामने दंडवत नहीं करेगा, क्योंकि वो हमको बचा नहीं सकता। हमको बचाने वाला प्रभु हमारे साथ है। देखा ए? हाँ उनको बचाने वाला। अरे मैंने जिंदगी में मैंने ऐसी बात सुना नहीं, वो तो आपकी बात, और जो हमने वो बचपन से सुनते आया और हम उस प्रभु का अनुभव करते आया, इवन अभी आपकी इस परीक्षा में और हमें आग में जल करके मरना पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर को बचाने का सामर्थ्य है, ये हम जानता है। लेकिन एक बात हो सकता है, हमें इसमें आग में जल करके प्रभु के पास पहुंचना प्रभु की पद्धति में है तो हम जाएगा, लेकिन हमारे प्रभु छुड़ा सकता है, ये बात में मैं संदेह ही नहीं। हाँ अच्छा, ये आग से छुड़ाएगा तो सात बटी बढ़ाओ,
ओ परमेश्वर उसमें तो झुक जाएगा। देखो कैसे उनकी प्राण ने सात बटे बनाया डाला। देखो वार्ड करके डूब 1 2 3 उधर जाते ही प्रभु ने तीनों को हाथ में लिया, देखा, और वो उनके साथ कंधा मिलाया और आग में चल रहे। एक अच्छा मीटिंग, एक अच्छा स्वर्गीय आलोचना प्राप्त करने का एक समय, क्या बात है ना। मैं आपको बोलता हूं, जो व्यक्ति सख्त परीक्षा में उतरता है वो मरो प्रभु को गहराई में अनुभव करता है। क्योंकि 46 वचन से किधर का 12 वचन में क्या लिखा, देखा संकट जब आता है प्रभु दूर नहीं रहता, सबसे निकट रहता। कितनों का अनुभव है, प्रभु को अनुभव किया गया। मैं आपको बोलता हूँ, वे हजारों बार अभी भी अनुभव में है, अभी भी प्रभु को बहुत गहराई से अनुभव करते हुए मैं आपके सामने बैठा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभी आप देखो, राजा अभी राजा को कबूल करना पड़ेगा। राजा बोलता है यही सच्चा परमेश्वर है, जो कि इतना भयंकर आग से छुड़ाया, एक बाल भी जला नहीं। देखा इतना सात बेटी बनाने के बाद में भी एक बाल का नुकसान नहीं हुआ, आग में से निकल आया, ऐसा कोई स्पेल भी नहीं आया, गंध नहीं आया। देखा ये कोई कहानी है क्या, ये सच्चाई है प्रियो। तो वो प्रभु मर गया क्या? प्रभु ने योशुआ को बोला, योशुआ मोशा मर गया, मैं जिंदा हूं, मोशा का परमेश्वर जिंदा है। एलिया कौवा मर गया, पर जो वो कौवा को भेजने वाला मैं जिंदा हूं। प्रियो हमारा प्रभु कल आज और कल हिंसा है, हमारे प्रभु को हमें रोज अनुभव करके चलना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। एक बात जानना, प्रभु के लोगों को जरूर ये जीवन में प्रभु से चुनौती पाने के कारण कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा। प्रियो बिना तकलीफ का जीवन ये दुनिया में चाहना एक मसीह के लिए धोखा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको कई बार बताया ना, पौलुस को एक दिन दो थप्पड़ नहीं मिला तो उसको रोना आता है। पौलुस क्यों रो रहा है? आज कोई मेरे को मारा नहीं, तो मतलब मैं दुनिया से कॉम्प्रोमाइज हो गया, मैं दुनिया के नहीं, ये दुनिया के लोगों ने आज के दिन मुझको कैसे सह लिया। क्या ऐसा कोई होता है आज? आज कोई भी मेरे बारे में कुछ बुराई नहीं बोला, ऐसे कोई सोचकर रोता है क्या? अरे बुराई बोलेगा तो देखना शक्ल कैसे होता, क्योंकि हमका उनका पुश करके जी रहा है। प्रभु को थोड़ी देखता है, प्रभु क्या देखता ही नहीं, नीचे ही देखता है। नहीं प्रियो, भक्त लोग हमेशा ऊपर देखना, स्वर्ग की ओर देखना। इसलिए प्रभु में आया हुआ हरेक लोगों का जीवन यात्रा में बहुत बड़ा ध्यान देने वाला बात है। रोमियो 12 अध्याय उसका दूसरा वचन, रोमियो 12 का 2, देखा ये संसार का सदृश ना बनो। प्रियो हम संसार में रहता है पर जो संसार का सदृश नहीं बनना। आजकल कई लोग क्या होता है, मानो हीरो को देखा, हीरो हीरोइनी है, मतलब हीरो आप पान मारेगा तो कल से जवान लोग आप पान मारना शुरू करेंगे, क्योंकि हीरो ने पान, हीरोइनी मतलब कपड़ा कम में आजकल ब्लाउज, आधा शरीर दिखा करके, आधा क्या पूरा दिखा करके, थोड़ा सा पान करके ऐसे चलेगा, ठीक बात है। कहां से सीखा? हीरो हीरोइनी दुनिया का सदृश बनने के लिए नहीं बुलाया अपनी। हम कहां का है? हम स्वर्ग का है, स्वर्ग का नागरिक बनना। आपका मैं आपको बताता हूं, एक ड्रेस हाथ में लेने के टाइम पर प्रभु की आत्मा है तो बोलेगा इसको फेंक,
ये तेरे लिए न्याय की नहीं बोलेगा, नहीं बोलता है तो नहीं बोलता तो प्रभु आपने उधार ही नहीं पाया। हमको कोई भी हाथ में लेने की नहीं, प्रभु अनुमति देना चाहिए। हाँ इसको पाल देखा, प्रभु की अनुमति हो करके पढ़ना प्रियो, नहीं तो नहीं पढ़ना, उसको रिजेक्ट कर देना। प्रभु में मान सकते हैं, प्रभु को पूछना, प्रभु को पूछ करके मानो, हर काम प्रभु को पूछना करो। ये जो पहाड़ी उपदेश में पहला उपदेश क्या है, पहला धन्य लोग कौन है? जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, मन के दीन का है। पर प्रभु मेरे से कुछ नहीं होता, आप बोलो। आप हर एक बातों में प्रभु का सहारा लेना, प्रभु के सहारा लेकर प्रभु का इच्छा जान करके चलने वाले लोग, वो उनका है स्वर्ग राज्य। हम प्रभु में आने के बाद में हमको क्या रहता है, अभी प्रभु से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है ना। हर बात में पूछना प्रियो, हर बात में प्रभु को पूछकर करने वाला स्वभाव। इसलिए मैंने कई बार बोला पहाड़ी उपदेश हफ्ता में एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो चेलों के लिए उपदेश है। एक सच्चा चेला बनकर जीना चाहता है तो अभी प्रभु ने हमें दुनिया का नमक बनाया। दुनिया का नमक कब होगा? ये नव गुण हमारे में रहेगा तब नमक होगा, नहीं तो दुनिया आ गया। दुनिया आ गया तो नमक नष्ट हो गया, फिर वो प्रभु का महिमा का कारण नहीं बन सकता। इसलिए प्रियो प्रभु में आने के बाद हम किसी प्रकार दुनिया की रीति में सोचना नहीं, दुनिया की रीति में चलना नहीं, दुनिया का सदृश बनना नहीं। हाँ सदृश नहीं बनना, फिर मन की नया होना बोलेगा तो रोज मन करना। आप सच बोलो प्रभु में आने के बाद या ये पीछे दिनों में प्रभु को भजन सुनने के बाद एक भी बात पर मन फिरा क्या? प्रभु मुझ में कमी है, प्रभु मुझ में गलती है, प्रभु मैंने आज आपका भजन के संदेश के द्वारा जाना, मेरे में कमी है। प्रभु आपने आपके वजन के प्रकाश पे मुझे दिखाया मुझ में कमी है, प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं उसको प्रभु इसको छोड़ता हूँ, मुझे इस पर विजय दे। कितने लोग ऐसा प्रार्थना करता है प्रियो, हमारे जीवन में हमें रोज मन फिरावट का जरूरत है प्रियो। मन का नया हो जाने का अर्थ हमें रोज मन फिरावट होना, रोज मन फिरावट। देखो जो व्यक्ति प्रभु के निकट जाएगा प्रभु उसका ओरिजिनल अवस्था दिखाएगा, हकी बात है। हमें प्रभु जो बात बताएगा वो बात तो मानने का उत्साह चाहिए प्रभु, क्योंकि हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। अभी भी देखो अभी भी हमारे जीवन में कितना कमी है, प्रभु के खातिर हमारे दिल में एक सच्चा चाहत है क्या? मैं कल ही बोला मेरा प्रिय पत्नी और बच्चे को, देखो कल सैटरडे है, सुबह उठकर तैयार होना। देखो खली बोल कर रखा, सवेरे उठने के बाद फिर याद दिलाया, देख अपने को पौने 7 बजे चलना है, फिर भी 7:05 तक वेट किया। किसके लिए? एक के लिए 7:05 तक, इसके बाद में आगे उतर गया, उधर भी वोट मार, उधर भी नहीं। देखो बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में हर एक बातों में हमें टाइम टाइमिंग पक्का आप लोग ध्यान करना प्रियो। आज लोगों को मैं आपको बोलना, यीशु मसीह में टाइमिंग था। भैया बताओ परमेश्वर का पुत्र भी ये दुनिया में जीवन बिताने के टाइम पर टाइम में पंचुअल था, फिर हमको। इसलिए हमारे प्रभु का एक नाम है सेनाओं का परमेश्वर। सेना का बहुत बड़ी बात डिसिप्लिन, बोले तो टाइमिंग बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात है। हम लोगों को मैं लोगों को थोड़ा सा ऐसा करता है, क्योंकि पहले दुनिया का सैन्य में भी काम करने के लिए पर मुझे मालूम है डिसिप्लिन कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों को बताता है।
ऐसा प्रभु ने एक दाल दिया, इसके प्रभु धन्यवाद देना चाहिए ना। डिसिप्लिन के साथ ले चलना बहुत जरूरी बात है। स्वर्ग में हर बात में डिसिप्लिन है ना। स्वर्ग तो ऐसा प्रभु का आराधना करता है, बहुत डिसिप्लिन है। मैं आपको बोलता हूँ, आज विश्वासियों को मतलब दुनिया के लोगों को भी देख करके कई बात सीखने का इतना गिरावट में लोग आ गया। अब देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये जो मुसलमान लोग हैं आप लोगों ने अभी भी है ना, आपको ये यूट्यूब वगैरह में टीवी में सब प्रोग्राम याद है, बोलो आप देखो बोलो एक लाइन से और लंबा लाइन है, एक लाइन में 200 लोग रहेगा तो ना उसका बीच में गैप नहीं रहेगा, उधर कहीं जगह है क्या, चलो इधर से चल करके बैठने का जगह नहीं छोड़ता। तो अपने विश्वासी लोग शैतान के लिए जगह छोड़ता है, नष्ट के नष्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा मशीन का स्मेल आएगा। सरने मुश्किल है, इसलिए दो कुर्सी बाहर सिंधु मार्ग के आएगा उसको नष्ट, आप स्वर्ग में मिलना मुश्किल। ये स्वभाव साहब बदल दो, आपको कितनी बार मैं बताता है ना, एक अच्छा डिसिप्लिन। अभी आराधना के बीच में कई बार इधर साइड में एक एक कुर्सी खाली है, उधर से आगे लोग कहते हैं इधर पूरा भरा हुआ है, लोगों को साइड से दिखाई नहीं दिया, निकल गया पिछले हफ्ते को भी नहीं रहा। आप बताओ गलती किसका, अपने बैठने वाला भाई होगा पवित्र लोगों, आप लोगों की छोटा गिनती कितना बड़ा प्रभु का निंदन आता है। अरे एक बात अपने को डिसिप्लिन चाहिए। मैं थोड़ा और भी तकलीफ उड़ाने के बाद में और भी एक व्यक्ति को मदद हो जाए तो उसका वो एक सेवा है, आराधना है, प्रभु प्रसन्न हो जाए। हमेशा छोटा बनने प्रिय मेरे से जितना तक मानव प्रभु का अधिक महिमा कर पाएगा। ये बात कई लोग मंडली में आते हैं ना, गेस्ट है गेस्ट, देखो किसी के साथ कुछ भी नहीं, मिलने के नहीं, क्या मंडली जीवन है, इसको मंडली जीवन बोलते हैं क्या। कई लोग घर में गेस्ट है, घर का हम गए कुछ नहीं करे, गेस्ट है, गेस्ट को कोई काम करने की जरूरत नहीं है ना, और जो घर का मेंबर करेगा, एक एक घर का मेंबर, एक छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वो बच्चे को भी मालूम है मुझे एक कमरा साफ करना है, मेरे को वो प्लेट साफ करके रखना है, घर का मेंबर को मालूम, गेस्ट को मालूम है मेरे को इधर क्या काम है, कुछ दिया खा करके प्लेट उधर छोड़ देगा, मैं थोड़ी जा करके प्लेट धो करके उधर ले उठ करूं। गेस्ट मंडली में कुछ गेस्ट लोगे वो आएगा अपने टाइम से जाएगा अपने टाइम से, देखा भियो वो प्रभु के घर का मेंबर नहीं, वो दूसरों के लिए टोकर है। इसलिए मैं बोला अलगुवाई या ये डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी बात है, ये हल्का बात नहीं भियो। हम हरेक पवित्र लोग प्रभु का घर का अंग है, हम जब प्रभु की उपस्थिति में आया हमारा सबका काम है। मैं आपको बोलता हूँ और आप जल्दी आया, अरे आपने देखा अरे वो कुर्सी में थोड़ा मिट्टी है, चलो तुरंत सुबह से देख कपड़ा दे दो, थोड़ा देर पहुंच लेता है, सेवा है आराधना है, उसको बोलते हैं आराधना। चलो यार आज थोड़ा और भी कुर्सी लगाता है, ज्यादा लोग आएगा, चलो थोड़ा ऊंचा मार करते मैं करेगा ना, अरे मेरी कितनी बार इन्हें टॉयलेट तक साफ किया, मेरे को कुछ है नहीं, आज भी करने के लिए तैयार है, अपन प्रभु की महिमा के लिए करना, वही तो सच्चा आराधना है। इधर आया थोड़ी देर संदेश सुना चला गया, और मैं पुराना मंडली का मेंबर है, कौन सा मेंबर, स्वर्ग को मालूम भी आपको मंडली में है, मैं बोलने का अर्थ क्या है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, ये तो छोटा बच्चों को समझाने की बात है, प्रभु के लोगों को ये बात बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोगों का अवस्था इतना
अरे हर एक समय में अभी भी है ना, जब भी आप लोग आए ना पक्का एक तो अपने को भाई लोग बहुत अच्छा बेटा है भाई साहब, आप लोग भी बहुत अच्छा बेटा आज तो आज रात आएगा इसलिए तो पहले से आप लोग बनाते डिसिप्लिन बहुत बीमारी आप लोग इस बात में सावधान रहना और कोई गलत रीति में बैठा है तो आप लोग बोलना, मैं संदेश के बीच में कैसे बोलू फिर पूरा वो मौसम बदल जाता वो बात तुम्हारा बिगड़ जाता ऐसा ना होने देता, इसलिए अरे एक लोगों को काम है भी। आप लोगों ने कितनी बार लोग इधर आया आने के टाइम में थोड़ा पानी भरा एक नहीं देखो नहीं तो पानी आ रहा है तो मैं भर देता हूँ एक दिन में भी मैं जल्दी आकर के इधर ही बिछाता हूँ एक दिन भी तरह आप लोग से सबसे बड़ी हो पूरा सेवा करता है तो तुम्हें बड़ा प्रतिबल है अपने भाई बहन उनके बारे में मैं कुछ आज ही नहीं बोलना चाहता लेकिन अपना जिम्मेवारी है प्रियो लोग करता है लेकिन हमारा कर्तव्य है बाकी लोगों का जवान लोगों का कर्तव्य है और आप लोग नहीं करता है तो आप मंडली जीवन को अभी तक सीखा नहीं उनसे नहीं कराना बाकी लोग जवान लोग चाहे तो मैं शुरुआत में मैं इधर करके सफाई करके साफ करके जाता था तब ये सुधर सुधर और अपना सुरेश मंदिर लोगों की नजर में पड़ा फिर उन लोगों ने नहीं आप नहीं आना फिर उन लोगों ने ये लिया बाद में उनके दास दास यहाँ पर आने के बाद में पूरा उनको सौंप दिया सौंपा नहीं प्रियो वो हमारा कर्तव्य है बोलने का अर्थ बहुत लोग ये छोटी छोटी बात को भी ना समझने का प्रभु का महिमा नहीं हो रहा है महिमा महिमा होना चाहिए हल्की हल्की बात अभी आप लोग इतना अभी सब मंडली के लोग यहाँ पर नहीं लेकिन आप दूसरे को समझाओ समझाओ जो भी कुछ गलत नीति में बैठता है करता है उनको समझाओ फिर सच्चा हमारे कर्तव्य क्या है हम दुनिया का ऐसा लोग नहीं मैं आपको बोलता ना अभी मैंने कितनी बार बोला जितना तक लोग जो हो सकता है ना प्रार्थना करते मेरे घुटने में है घुटने में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है हाथ उड़ाकर प्रार्थना करना हाथ में दम है तो ऐसे बोला है कि नहीं भाई बोला है प्रियो तो फिर एक एक बात आप लोग मेरे को देखते है ना ये सन्यासियों का ज्यादा फोटो देखा तपस करता कैसे करता मांडी में आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना माटी में घुटने में आकर के प्रार्थना करने के लिए भी लोगों को मैंने वो बात को भी प्रेयर में क्लासरूम में भी बोला वो बात लेकिन मैंने फिर भी देखा एक आधा लोग थोड़ा बदल गया लेकिन सब लोग नहीं बदल मैंने उसको असर नहीं हुआ उसका गौरव नहीं जाए मैं आपको बोलता हूँ जीवी भी प्रार्थना में आप घुटना टेकता है वो एक अपना प्रभु की उपस्थिति का एक नम्रता एक अपने आप को दीन करने वाला एक अच्छा गुण है मैंने देखा नहीं तो भी मैंने सुना है मानो भक्त सिंह रोड पर भी क्यों ना हो प्रार्थना टाइम पर वो घुटने टेके मैंने उनका कोई किताब में भी वो बात को पढ़ा और कई लोगों ने मेरे को भी गवाही दी मेरे को बहुत अच्छा लगा वो व्यक्ति दिखाने के लिए नहीं है सब दिखाने वाले बात अलग बात है वो तो एक झूठा माना बात भक्ति की बात है पर जो हाँ अभी ये अभी उठने में तकलीफ है वो बात अलग बात है इस कारण मानव नहीं हो पाता तो फिर भी मैं आज भी सब पवित्र लोग के लिए जब मैं मध्य से प्रार्थना किया टेबल के सहारे में घुटने में होकर के किया है वो बहुत जरूरी बात है हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को ये सब मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को बात समझी करके आप लोगों का प्रोत्साहन के लिए बोल रहा हूँ कई लोग इसको भी गलत लेगा अपने को कौन सा बढ़ाई करना भाई है प्रभु का महिमा के लिए अपना एक गाने को आप लोगों को बांटता है प्रियो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए हमें दुनिया के जैसा दुनिया के लोगों के जैसा वो बात को नहीं देखना इसलिए मैं बोलता हूँ आप रोमन कैथोलिक लोगों को देखो आप रोमन कैथोलिक की बहनों का मैं नहीं बोल रहा कुछ बातों में प्रार्थना आप लोग देखा घुटने में
अरे तुम प्रभु के वचन इतना, मैं कई बार ऐसा रहूंगा प्रार्थना लेकर चकित होता हूं इतना एकाग्रता के साथ। इतना फर्क है। इसलिए जो जिनमें कोई अच्छा आदर्श दिखता है तो उस आदर्श को अपनाने की प्रयास करो। अच्छी बात है, सब मिलकर के प्रभु को महिमा होनी चाहिए। बोलने का तो है, तो कोई प्रभु ने बोला ना, पर शास्त्री प्रिंसी लोग जो उपदेश देता है वो उपदेश लोग जो इसे करते हैं, ऐसा मत करो। तो आपने उधार पाया है, प्रभु के हाथ में पाया है, तो आपका जीवन कैसे होना चाहिए, कितना बड़ा आदर्श का होना चाहिए, बहुत बड़ी बात। पर ऐसा आप नहीं करेगा तो ना, एक सच्चा चेलापन के जीवन में ये दासत्व है, गुलामी बने, पर ऐसे नहीं है तो एक सच्चा मसीह नहीं बन सकता। यीशु मसीह हमारे लिए, मैं ये सोचता हूँ, यीशु मसीह मतलब अपने चेलों का पाप धोया। अब देखो, इसलिए हमारे लिए आदर्श, हमारे लिए आदर्श दिया है। तो प्रियो, हमें अपने आप को नम्र करने में, दीन करने में कितना उलझा गए, इसमें मैं कहां तक बिजी हो जाए, उसमें हमारे बिजी है ना। अभी वापस पढ़ना करो, मैं हमारे का दो, संसार का सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वाह, अनुभव में लेना भी यही बात है ना। हमारे प्रति मैं आपको इसलिए बताने चाहता हूँ, हम लोग अभी बहुत छोटा सा एक यात्री है, थोड़ा दिन हम लोग यहाँ पर रहेगा, इसके बाद हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। जो भी नया जन्म पाया हुआ लोगों को पवित्र आत्मा ये बात का गवाही देता है, ये गवाही के शब्द में मतलब रोज सुनना चाहिए, मैं इस दुनिया का नहीं, मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है, मुझे प्रभु की लायक की जीवन बिताना, प्रभु का योग्य जीवन बिताना, यीशु मसीह हमें दिया हुआ उस आदर्श के अनुसार का जीवन बिताना, ये बात के लिए कितना उत्साह होना चाहिए है ना। बिंदी ग्रह में होने के टाइम पर भी एफिसियों 4 अध्याय के 1 वचन में पौलुस उनको क्या बोलता है ना, आपको मालूम है एफिसियों का पत्र बिंदी ग्रह में लेकर के लिखने वाला पत्र है। वो पत्र में पौलुस क्या बोलता, इसलिए मैं तो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। अभी हमें मिला हुआ बुलाहट के बारे में आपको मालूम है, हमें ये प्रभु ने दुनिया से अलग किया, हमें स्वर्गीय बुलाहट दिया, हमें पवित्र बुलाहट दिया, हमें ऊंचा बुलाहट दिया, उस बुलाहट का योग्य चाल चलो आगे, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सहलो। वाह, इतना भी समर्पण सब जा गया तो वो मंडली कितना खूबसूरत रहेगा, कितना खूबसूरत रहेगा भी। अरे कोई एक दूसरे के साथ कोई बात है तो भी सहलो। मेरे यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया ना, तो यीशु मसीह के साथ प्रभु का भाग बना हुआ हमें भी बोलता है एक दूसरे को सह लो, कुड़कुड़ाओ मत, दोष मत रखो, दिल में कोई नफरत पैर ना रखो है ना। इतना हमको जानना चाहिए मुझे कैसा बुलाहट मिला है, बहुत बड़ी बात है ना। सारे बातों में प्रभु का प्रेम में मर करके, प्रभु का उस वजन में बना रहे करके, एक सच्चा चेला प्रभु को वजन से दैन्य भाई नहीं मुड़ेगा, बहुत गंभीर बात है। इसलिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, मैं दुनिया के नहीं, इसलिए दुनिया के रीत ही मेरे नहीं, हर एक बातों में। जब याकोब 4 अध्याय का 4 वचन में आया, और तो लोगों को अच्छा सुबरी दे, देखा, अगर हम संसार के रीति में बन जाता है, संसार के रीति में सोचने लगता है, लोगों की जैसा कार्य करने लगता है, तो फिर प्रभु को एक नाम दिया, विभिचारिणी, बाप रे,
ऐसा लोग उनके साथ रह सकता नहीं रह सकता प्रियो। प्रियो संसार से सबाजी पाने के लिए संसार में दिखावटी करके संसार के भक्त बनने का कोशिश ना करो। ओरिजिनल प्रभु का भक्त बनो। अपने को ये वचन अंदर जाता है क्या? थोड़ा भी हमारा सोच में कितना बदलना चाहिए हमारा जीवन में प्रियो। हमें पूर्ण रूप में बदलना है प्रभु में मिलावट पाने के बाद में। यीशु मसीह ने हमको जो दिया वो आदर्श है। यीशु मसीह का एक बात हमारे लिए एक आदर्श है क्योंकि वो हमें आदर्श देकर गया। उसकी पथ चिन्हों पर हमें चलना है। हमें इस संसार के जैसा नहीं बनना। संसार के रीति में यीशु मसीह 40 दिन उपवास करने के बाद में शैतान ने आलोचना दिया और उसे तो पुत्र था वो बोलेगा तो ये रोटी ये पत्थर भी रोटी बनेगा। ओ ये दोस्त अभी तक कहा था ये कितना दिन से तड़प रहा था। देखा टाइम दे करके मौका दे करके धोखा देने के लिए आता है। यो हमें एक बात जानना हम लोग लड़ाई के मैदान में हमारे विरोधी हमारा बलहीनता कमजोरी जान करके हमें फंसाने के लिए हमें गिराने के लिए प्रभु से दूर करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है जो व्यक्ति आनंदित अवस्था में नहीं है उसका मतलब वो सीतांग धोखे में प्रभु की उपस्थिति में आने के बावजूद भी कई लोग आनंदित नहीं हो पाते। कई लोग आनंदित होते हुए देखता है तो उनको गुस्सा आता इसका मतलब कौन सा आत्मा में हो। उनको ये सोचना चाहिए प्रभु वे भी आत्मा में लेकिन जैसे वो लोग आनंदित हो रहे हैं वे इतना आनंदित क्यों नहीं हो पा। प्रभु मुझको भी उस प्रकार आनंद रहने के लिए मुझे भी सीखो ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। परंतु मैंने कई बार देखा इधर कई लोग हंसने में थोड़ा आवाज आता है परंतु कुछ लोग बोले और वो गुस्सा से देखता है अपने को मन पड़ता ना कि वो कौन से आत्मा का दिल मन पड़ता है। तो इधर से अपने को इतना मन पड़ता है तो स्वर्ग से कितना मन पड़ता है। बहुत अच्छा मन पड़ता है और तो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ प्रियो हम लोग ये दुनिया का रीति का मतलब कोई भी बातों में हम लोग शामिल नहीं होते। हम बिल्कुल प्रभु के लिए अलग क्या बोलोगे। हमें इतना मालूम होना चाहिए जरूर मैं अभी दुनिया में रहता हूँ परंतु मैं दुनिया का नहीं मैं प्रभु का है। मैं प्रभु का बेटा है मैं प्रभु का बेटी है। अपना हर एक बातों में हमें आदर्श बनना चाहिए। नहीं तो प्रभु बोलता है जो दुनिया का मित्र बनना चाहता है वो परमेश्वर का वही देखा परमेश्वर का वही है ना। मतलब हमारे में हर एक बातों में हम ये दुनिया से कितना अलग होना चाहिए कितना अलग होना चाहिए। मैं तो आपको बोलता हूँ जब मैं प्रभु में आया मेरे जीवन में ऐसे कई बातें दबे हुए थे। प्रभु में आने से पहले गांव जाने के लिए ले जाने के लिए शराब बोतल सिगरेट पैकेट ऐसे फ्री मिलता है सब लॉकर में भरा हुआ था जाने के टेबल ले जाने के लिए। मेरे के बीच में प्रभु ने बचा लिया। दूसरे दिन सवेरे उठ करके साफ शुरू कर दिया वो एक एक केस के हिसाब से 12 बोतल का केस वो लेकर के उधर पीछे चक्का ने बारे के पीछे तो वो एक एक लेने का ठाक छोड़ने का लोग आकर के बोला सर प्लीज प्लीज सुना नहीं पूरा तोड़ करके फेंक दिया और सिगरेट पाई के पूरा ये कर दिया चलो तेरे को चाहिए तू ले जाओ ऐसे नहीं। फिर मैं उनको समझाया क्यों ऐसे किया उन लोगों का भी दिमाग खुल गया। और जीवन में प्रभु में आने के बाद में जो प्रभु की लायक नहीं ऐसा कोई भी बात हमारे जिंदगी में है तो उसको क्या करना खत्म कर। कितने लोगों ने खत्म किया अरे मैं प्रभु में आ गया अभी प्रभु में आने से पहले का कई बात जो प्रभु का योगी नहीं वो मेरे पास है तो मैं दूर करता हूँ।
आज भी कई लोग जो विश्वासी लोग सोना छिपा करके अलमारे में कॉर्नर में पैकेट में निकाल, देखो किस किस के पास है, मेरे को मालूम नहीं। अब हमारे एक विश्वासी गाँव गया था, चोर आ गया, वो घर में सब कुछ भी पक्का एक काम करेगा, देखो उन्होंने वो सारे निगाला निगाला और डेपी निगाला, डेपी छोड़ दिया, डेपी के अंदर जो है वो नहीं, देखो अभी मालूम उधर बहुत हंगामा हो गया, उनको भी वहां पर बुलाया, मैं गया, फिर मैंने फोन करके पूछा कि मालूम एक घर में चोर आया, उनका घर में कुछ सोना था क्या? नहीं, मेरे को कैसे बोलू सोने था करके, देखा तो फिर पुलिस बोलता है फिर उनको बोलो कोई कमरे भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग सोने के लिए आए थे, उनको मिल गया, और उनको मिल गया कितना तोला मिल गया हमको भी मालूम, देखो उनका सोना ही नहीं था, तो कुछ भी नहीं गया, देखो कितना बड़ा झूठ है। देखा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, कई लोग श्राप को छिपा कर रखता है आकार के जैसे, इसलिए आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं होता है, प्रभु के साथ का सच्चा नाता नहीं होता। मैं आपको क्या बताऊं प्रियो, धोखा मत खाना, प्रभु ने मना किया हुआ एक भी बात जिंदगी में रह करके भक्ति करने का अर्थ आपका जैसा नकली काम करने वाला कोई नहीं है, उसको भक्त बोलेगा स्वर्ग नहीं, प्रियो कई लोगों से इसलिए प्रभु बात नहीं करता, रुकी आलोचना उनको मिलता ही नहीं, इतना दुखदायक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी बात होती है जो सच्चा है सच्चा होना चाहिए, हमारा ऐसा कोई भी बातों में गलत आदर्श में नहीं चलना चाहिए। कई लोग सोचता है कहीं ना कहीं इधर से दूर जाने के टाइम पर उधर कोई शादी रहेगा तो उस टाइम पर पकड़ने के लिए छिपा कर रखा, उधर जाने के टाइम पर यह सब बाहर आता, क्योंकि उधर कोई प्रभु का लोग भी नहीं, प्रभु का दास भी नहीं देखेगा, उनको ये नहीं मालूम प्रभु देखता है, प्रभु का भाई नहीं है ना, प्रभु का भाई नहीं, कितना दुख की बात है, कितना उनको प्रभु का भाई है, प्रभु के भाई मानने वाले लोग ऐसा कोई भी चीज नहीं देखेगा। मैं एक बात आप अभी भी अलग हुआ है क्या, अलग हुआ है का ABCD इस रड तक वो जो मतलब शब्दों में ये में भी आया क्या, ये सीखने के बाद भी सिखाएगा है, तभी तो आखिरी ईश्वर तक सीखेगा नहीं रहे, आज तक कई लोग ये में भी नहीं आए, ये भी ठीक से नहीं है, कितना दुख भरा बात है, आत्मीय जीवन कहां मरे थे, हमें अपने आप को परखना, अपन अभी भी अपने आप को सुधारता नहीं, दुनिया की बातों में, इसलिए योगना ने क्या बोला, अरे योगना 2:15 संसार से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वाह वाह वाह, देखा इतना इतना साफ हो गया ना, उसमें पिता का प्रेम ही नहीं है, फिर प्रभु की आत्मा कैसे बसेगा, इसके उसका उद्धार हुआ बोलना कितना दुख की बात है। प्रियो हमें ये बातों को परखना है, जीवन में कई जीवन में लोग धोखा खा सकता है, अपने जीवन में धोखा नहीं खा, हमें ये सच्चाई को ठीक से जानना, इसका विवरण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक शब्द अभी यहाँ पर बोल करके मैं ये अभी बिना समाप्त करना चाहूंगा, इब्रानियों 11:38। हाँ देखा कितना प्रभु का नाम मालूम है वो शब्द है, संसार उनके लिए योगी नेता, इनके लिए प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए, प्रियो आप प्रभु का चुना हुआ है तो आप संसार का योग्य नहीं, पड़ेगा तो संसार आपको सज नहीं सहेगा, संसार बोलेगा तो इनकी चेहरा छुट्टी हो जाए, तू ये दुनिया में रहने का योगी नहीं, क्योंकि तू हमारे जैसा काम नहीं कर, हमारे से मिलता नहीं, इसलिए तुमको देश से भगाऊंगा, देखा है
संसार उनके लिए योग्य नहीं था। प्रियो, प्रभु चुने हुए लोग संसार के साथ नहीं मिलता, प्रभु ने अलग किया है तो उस अलगुवाई में ही रहता, अलगुवाई का पगड़ा कदम में भी नहीं आया। मैं अगर आपको बाइक्राउंड आउटलाइन डालता हूं, किन किन बातों में अलग होना है वो बात अभी कल के आराधना में आपको बताएंगे, लेकिन ये आउटलाइन बहुत जरूरी था। इतने लोगों ने समझा मुझे नहीं मालूम, पर जो पवित्र लोगों में बताना चाहता हूँ प्रियो, आज ये अलग ना होने के कारण लोग आत्मीय जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनमें यीशु मसीह नहीं जी पा रहे, प्रभु उनको वास्तव में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इतना अच्छा अवसर देने के बावजूद भी इतने लोग प्रभु की संगति को लापरवाही करता है, कारण क्या मालूम है? कारण वो प्रभु का बन गया उनको समझ नहीं, वो कौन है वो समझता नहीं, इसलिए धोखा होता है। हमेशा प्रभु में आया हुआ, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को एक गवाही मिलता है, मैं प्रभु का है, मेरे जीवन प्रभु का महिमा के लिए, मैं एक एक छोटा सा छोटा काम भी मैं प्रभु का महिमा के लिए करूंगा, ऐसे एक निर्णय, क्योंकि उदार पाना एक अद्भुत बात है। उदार पाए हुए लोगों को उसका महत्व पवित्र आत्मा बनाता है, ये दुनिया में कोई नहीं पा सकता, अपने परिश्रम में नहीं मिल सकता, ये प्रभु ने हमें दान दिया अनुग्रह से, प्रभु में विश्वास करने के लिए भी प्रभु ने हम पर दान दिया, अभी हम विश्वास कर पाए अपनी, ऐसा मिला हुआ इतना बड़ा उदार, ये उदार पाए वो लोग ये दुनिया के नहीं, ये समझने में कितना अधिक उन लोगों को प्रयास करना चाहिए, वो मानुभात होकर के जीना चाहिए। तो ये उद्योग आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।